एक सिविलियन हुकूमत ने हसास इदारे को फोन टेपिंग की इजाजत क्यों दी? मोहम्मद मालिक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कौमी सलामती के मुफाद और जराइम के खदशात के पेश नजर फौज के खुफिया इदारे को फोन कॉल्स और पैगाम इंटरसेप्ट करने की इजाजत दी है। इसी हवाले से एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक का कहना था कि पहले ही बहुत सी कदगने हैं बोलने पर, बात करने पर, और अब एक प्रिवेसी के अंदर जब आप सरकार को ये राइट दे देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिसको चाहे वो सुन सकते हैं, जिसको चाहे वो टेप कर सकते हैं, सर्विलियंस कर सकें। मोहम्मद मालिक ने मजीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अनफेडेड नहीं। फिर तो एक कब्रिस्तान सी खामोशी हो जाएगी और कब्रिस्तान के अंदर कोई जिंदगी नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती, या जंगली घास उगता है या सांप और कीड़े मकोड़े फिरते हैं जो इंसानों को ही नोचते हैं। क्या हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं?